उसको भी हम एक्सपर्टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अन्य विभागों के हैं वो भी मैंने नोट किया है, और मेरे कार्यालय के माध्यम से हम उनके कंसर्न मिनिस्टर्स के साथ उसको टेकअप करेंगे। सड़कों का विस्तारीकरण हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और मुझे खुशी है कि अभी हम हिमाचल में करीबन 300 करोड़ रुपए केंद्र से लेकर आए हैं। उसमें मंडी जिला का भी एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क करसोग की है, जिसमें करीबन 30 करोड़ रुपए हमको उसके लिए भी मिले हैं। और अभी हमारा ब्रिजेस का काम, जो पीछे हमारे ब्रिजेस बह गए थे आपकी आपदा में, चाहे वो पंडो का है, कूनकतर का है, और आपके जो है वो इसमें जो है ऑट में है, उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है। एक ब्रिज का काम शुरू हो गया है, अभी दो ब्रिजेस और उसका प्रपोजल मैंने डिपार्टमेंट को कहा है। हम किसी ना किसी हेड में पंडो के ब्रिज को भी डलवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी PMJSY में डलवाएंगे या उसको CRF में डलवाएंगे, उसका हम जो है विभाग द्वारा प्रपोजल बनाया जा रहा है। एक छोटा सा गुटकर में भी ब्रिज है, उसके बारे में भी लोगों ने बात रखी है, उसको भी पूरा करेंगे। और बाकी जो सिंचाई की व्यवस्थाएँ हैं, जो आपके सैनिटेशन का है, या पीने की पेयजल योजनाओं की स्कीम्स है, हर चीज़ पर जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि खुला दरबार था तो ऐसा तो कोई था नहीं कि प्लान वो है, जो भी आ रहा है अपनी अपनी छोटी छोटी समस्या है, सब जो चीज़ें बताते हैं, जितना हो सकता है अपनी ओर से हम पूरा समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। कोई बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो तो, क्योंकि फिर उसमें केंद्र का भी सहयोग हमको चाहिए, तो हम केंद्र से भी लगातार उस पर बात कर रहे हैं। अभी हमारे, क्योंकि मेरे पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, मैंने पीछे कहा है कि हम कोई अच्छा प्रोजेक्ट मंडी के लिए लाने के लिए प्रयास करेंगे। मैंने उसके लिए निर्देश दिए हैं अपने डिप्टी कमिश्नर को भी, और हमारे जो UD के हमारे इसके MC कमिश्नर है, कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ का बनाएं जिससे हमारे लोगों को यहाँ पे सुविधा हो। तो मैं इस विषय में अभी जल्द दिल्ली जाकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री है शहरी विकास के, उनसे भी मैं मिलूँगा, और यहाँ के लिए खास रूप से मंडी शहर के लिए अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शहरी विकास के लिए हम लेकर आएंगे, ये भी हमारी वचनबद्धता है। तो हर तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के हर इलाके का समान विकास हो, ये हमारी वचनबद्धता है, और इसको पूरा करना ये हमारा दायित्व है। कठिनाइयाँ भी हैं, क्योंकि बजट का भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, मगर फिर भी हमारे जो है पैसे की कमी हो सकती है, मगर जो है दृढ़ इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। तो काम होंगे, पूरी मजबूती से होंगे, प्रदेश का भी सहयोग मिलेगा, केंद्र का भी सहयोग मिलेगा, और हिमाचल देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। स्मार्ट सिटी की बात की थी सर, कि स्मार्ट सिटी में मैं कह रहा हूँ कि देखिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार से, वो वाली स्कीम बंद हो चुकी है, मगर निश्चित तौर से कोई ना कोई स्कीम केंद्र सरकार शुरू करेगी। मैंने उस विषय में बात करी है, हमारे एक डिटेल प्रपोजल यहाँ से बनाया जाएगा, और मैं यहाँ के अधिकारियों के साथ ही, और चाहे तो उसमें भाजपा के यहाँ के स्थानीय विधायक भी उसमें आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम यहाँ से जाके एक सकारात्मक सोच के साथ दिल्ली जाएंगे, और वहाँ पर जो हमारे केंद्रीय मंत्री है शहरी विकास के, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनसे मिलूंगा, और हम हिमाचल के लिए, हर शहर के लिए, और उसमें मंडी शहर भी है, यहाँ के लिए हम एक बड़ा, चाहे हमारा वो सैनिटेशन का है, चाहे वो गार्बेज डिस्पोजल का है, चाहे और कोई पार्किंग की सुविधा है, हम यहाँ के लिए लाने का पूरा प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य सिंह जी, आपने जो है एक समान विकास की बात कही, लेकिन पिछले 7 सालों की बात करें तो हर हिमाचली पर आज के डेट में 2 गुना जो है कर्ज हो गया है, सरकार किस तरह से देख रही है? देखिए, इसके लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है, कड़वे कदम भी उठा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ कड़वे कदम भी सरकार ने लिए हैं, कुछ स्कूलों को बंद करने का, मर्ज करने का निर्णय लिया है। उसी तरीके से जो सब्सिडी बिजली की हमारे उद्योगपतियों को दी जा रही थी, बड़े बड़े कारखानों के लोगों को दी जा रही थी, 5-स्टार होटलों को दी जा रही थी, उसको भी सरकार ने बंद किया है। जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको बिजली मिलनी चाहिए, सब्सिडी पे मिलनी चाहिए, मगर जो उसकी मुफ्त खोरी करी जो है करी जा रही थी जयराम जी के सरकार के समय में, हर किसी को जो है वो 125 यूनिट देने की बात की गई, तो ये सही नहीं है। इसको हमें जो है वो आधार कार्ड के हिसाब से, इसको हमें जो है वो इनकम के हिसाब से, उस पर जो है कैप लगाने की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, आबकारी नीति को भी उस तरीके से देखा गया है, जिसमें करीबन 600 करोड़ रुपये का मुनाफा प्रदेश सरकार को हुआ है। माइनिंग पॉलिसी प्रदेश में लाई गई है, ताकि माइनिंग से भी प्रदेश में जो है वो रेवेन्यू के रिसोर्सेज बढ़े। तो हर तरीके से सरकार प्रयास कर रही है कि जितने भी हमारा जो है रिसोर्सेज है प्रदेश में, पानी है, माइनिंग है, पत्थर है, उसमें जितनी हमको इनकम प्रदेश को हम जनरेट कर सके, वो हम करने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। नगर निगम एरिया में जो मर्ज किए हुए हैं पंचायतें, वो उन लोगों को आज आपसे डिप्टी से मिला हुआ है, तो उसके बारे में आप? अब देखिए, अभी इमिडिएटली तो इस पर कुछ नहीं होगा, मैंने उनको भी कहा है, मगर जब इसके अगले चुनाव होंगे, उसके पहले इसका जो प्रोसेस होता है डिलिमिटेशन का,
उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उसमें जो है इनकी समस्याओं को सुना जाए, उसको रखा जाएगा और उसके हिसाब से अगर ऐसा लगेगा कि इनको जो है एमसी से बाहर करने की आवश्यकता है, उसमें कोई मेरिट पाया जाएगा तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मगर क्योंकि ये चीज़ें जब करी जाती है तो उसमें सेंसस का देखा जाता है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता है और वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से देखा जाता है, मगर फिर भी क्योंकि वहाँ के लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उसको हम प्राथमिकता पे उसके ऊपर कार्य करने का प्रयास करेंगे। आज उल्टा थपक रहा है ये भगना है। जो डिप्टी कमिश्नर से होने हैं उसको भी हमने